अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं और पबजी का ब्रांडेड न्यू गेम प्ले, और हम नया मैप ट्राई कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम बाद में वीपीएन पे खेल रहा हूँ। जाहिर बात है, बैन हुआ है, वीपीएन पे खेल रहा था मैं। नाम मेरा आरपी में था और एफबीआई अहमद जो था उसको मैंने मारा था। मुझे अभी देख के वीडियो एडिट करते हुए याद आया कि एफबीआई अहमद को भी मैंने मारा था, और बड़ा कुछ खास प्रो था ये बंदा। तो सबसे पहली जगह पे उतरे जो कि बंदे चाहिए किल विल करेंगे, क्योंकि इसमें तो भाई रैंक वैंक का कोई मसला है नहीं, रैंक कुछ आराम से हो जाएगा और खेलने खेलने में ना सब काम उतार देंगे अपन, समझ रहे हो। और बहुत ओपी गेम प्ले है। पहले तो ये कि पिछले दो वीडियोस पे ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, लास्ट में थोड़ा टाइम निकाल के जाओ, फनी वीडियोस हैं उनमें, थोड़ा अच्छा गेम प्ले भी है, तो उनको जाके एक बार देख लेना और फुल इंजॉय करना, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पिंग देख लो कैसी आ रही है कि मैं जब लैंड होके घरों में जा रहा हूँ, जब तो जाके रेंडर हो रहे हैं, रेंडर हो रहे हैं। सॉरी, एक बंदा मार दिया, ये तो बस ऐसे ही आया था और ऐसे ही चले गया। पहला बंदा मैंने मारा, फिर एक बंदा ऊपर है और ये पता नहीं कब से टीपीपी ले रहा है और मुझे ज़रा सा भी नहीं पता, और मैं जस्ट रैंडम घुसा और एकदम मुझे नहीं पता था बंदा यहाँ पे। बस वो कहते हैं ना कि अगर उजी की 35 गोलियाँ आपने कनेक्ट करवा दी तो आप जीत गए, तो ये हुआ था कि उजी की मैंने 35 गोलियाँ कनेक्ट करवा दी थी और मैं जीत गया, ये हुआ था। यहाँ पे एक बंदा था, ये तो बॉट था लेकिन इसके पीछे एक बंदा था। मुझे ये सीन दिखाने का मकसद देखिए, उस बंदे की पिंक इतनी प्यारी थी और खेलने वाला भी बहुत अच्छा था, एफबीआई था वो भी, एफबीआई हमारा वही बंदा था। मैं जस्ट कवर में जा रहा हूँ, घर वर पता नहीं क्या बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, दीवारों के आर पार मुझे नज़र आ रहा है, सामने वाले को मैं इतनी आराम से दिख रहा हूँ, पता नहीं कैसे ना कैसे करके गोलियाँ आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी कोई पिंग आ रहा है जैसे 9600 है पर काम कोई नहीं है। मैं जा रहा था तो उस बंदे ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मैं समझ गया कि ये बंदा बड़ा बहुत सही खेलने वाला है। पिंग से अंदाज़ा ये लगाओ कि बैठने के बावजूद मुझे गोलियां लग रही हैं कवर में आने के बावजूद भी, तो जस्ट फिर मैंने हील किया और अब मैंने बोला अब क्लोज जाके मारेंगे, तो मैंने बाकी सारा काट दिया कितना मैं फिरा फिरा। बंदा यहाँ पे था, मुझे लगा सामने वाले घर में, तो एक नेट निकाला मैंने और वो बंदा भी साइड से जाते हुए दिखा, कैंसिल किया नेट, उसका स्प्रे और फिर भाई M762 की दो तीन गोलियां अगर आप हेड में मार दो ना तो थर्ड लेवल भी टूट जाता है। ओम तो अच्छी गन है अब ये मेरे ख्याल से, तो इसलिए किसके लिए तो भाई ओपी है भाई ये गन, बहुत सही है। आज से मेरा लोड आउट ये है, M43X रेड डॉट ऑन M762, भाई मज़ा आ जाता है, बहुत सही। अब हम जा रहे थे आगे चूँकि जोन में जाना था, जोन आ गया था, जोन आगे चले गया था, जोन में गए हम। 3X से एक बार पता नहीं किसको स्पॉट करा था, इसको तो ऐसी रगड़े में लिया। 5 किल हो चुके हैं मेरे, सबर करो, दो गेम प्ले पूरी वीडियो देखना, समझ रहे हो। एक बंदा जो सामने था और बहुत इसने बंदों को अभी तक मारा है, इसको जब से मैं मारने गई ब्रिज क्रॉस करके पिंग बहुत अच्छी आ रही थी सीधी बात है इसकी, और ये है एफबीआई अहमद, सॉरी हाँ ये है एफबीआई अहमद, इसको ही मारा मैंने। एक बंदा भाई सामने नेट निकाला, नेट से उसको डराने की कोशिश जो कि नाकाम, फिर साइड से आते हुए दिख जाता और फिर उसको मार दिया, कोई बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट गेम प्ले पे चलो, जो दिखाना का मेन मकसद था भाई मिलिट्री में आए थे। अच्छी बात ये थी बैरल मिल गई थी मैं जाते ही, तो ये तो हो गया सोने पे सुहागा। लाइक कर दो वीडियो को, चलो नहीं करो अभी खुद करोगे तुम, देखना क्या हुआ अभी आगे जा गया। ऐसा कोई ओपी सीन हो गया था ना कि मतलब थ्रोन हो गया था, मज़ा आ गया था। बंदा आया एक शॉट सर पे और चले गया, इसको तो एक गोली जी नहीं चलाई बेचारे ने, तो उसके बाद इतनी बुरी करी है भाई। बस एक बंदा आगे था, साउंड आ रहा था जब से इसका मार्क जाना शुरू हो गया था कि ये बंदा उतरा यहीं पे था और ये लूट करके आ रहा था और ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था यहाँ, इसने मुझे देख लिया था और थोड़ा सा मेरा स्प्रे थोड़ा सा उसका स्प्रे, तो ये नई आईडी थी विकी मुराद, ऐसे कोई नाम है इसका विकी मुराद। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि पता नहीं है कि मतलब यहाँ से मैंने टोटल वाइप कर दिया, दो ही बंदे आए थे। अब आगे जा रहा था और ये पता नहीं किसको मार रहा था, समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसको थोड़ा सा डैमेज है तो प्रेस करना बनता है भाई। लेकिन हेडशॉट सर, हाउ यू फॉरगेट माय हेडशॉट्स, द मार्वलस वन। एक बंदा आगे था कार 90 चला रहा था, ये देखो इसको मैंने डैमेज दिया, ये अब अलर्ट हो गया, अब ये हिल गया और अब ये मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं इसके बिल्कुल पास चला जाऊंगा, वो सामने वही बिल्डिंग पे अभी तक वही है। जैसे ही मैं गया इसके शॉट डीपी और ये बेचारा जंप कर रहा होगा पीछे की तरफ, लेकिन वो दब गया और फिर वो आगे आ गया और M760 की एक गोली, बंदा ख़त्म।
इसके लिए लाइक करना बनता है, प्लीज लाइक फॉर इट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं छोटी छोटी क्लिप्स हाइलाइट्स में डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ भी मज़ा आएगा, फॉलो कर देना आगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस बंदे को इतना लो तो कर दिया था मैंने कि अगर ये इसको एक गोली पिस्टल की भी लगेगी ना तो ये मर जाएगा, और इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं। सीढ़ियों पर बैठ के भाई साहब खतरनाक किस्म का गरुजा के साथ टीपीपी ले रहे हैं, गोली एक भी लगी पर टीपीपी। फिर साउंड आता है कि ये बंदा छत पे जा रहा है, छत पे चले गया, और अब छत पे आगे पीछे फिर रहा है। फिर छत पे हम भागते हुए गए, नहीं मिला, और ये पीछे खड़ा होकर कैंपिंग लेवल 999.900 बेचारे की एक भी गोली नहीं लगी इसकी तो, और बड़ा ख़राब सीन हो गया था इसके साथ। अब यहाँ पे जो भी किल फिल्म में नाम आया है ना, इस बंदे ने एक बंदे को मारा है, और इसको हल्का सा बॉडी दिख रही है, और एक गोली से वो भी गया, क्योंकि इन दोनों की फाइट हुई थी, एक डैमेज था, और हेड शॉट से मारा है भाई। जोन आ गया था, जोन में भी जाना भी था। एक बंदा सामने, इसकी पिंग पता नहीं या तो हाई थी या इसका नेट एकदम चले गया था, ये सामने खड़ा है थोड़ा सा हिला, और अभी यहीं रुक गया तो इसको तो मारना कोई मसले की बात ही नहीं है। अब बचे हैं 8 बंदे, 8 है ना, 8 बंदे नहीं, 8 किल्स हैं, सॉरी 8 किल्स हैं, 3 अलाइव हैं। जोन का इंतजार, जोन आया, जैसे जोन ने डैमेज दिया भाग के आगे गए, और फिर जो बंदा टिप एक और जो कैंपिंग कर रहा था इसको मारा, बचा सिर्फ एक बंदा जो कि मुझे पता है कहाँ है, क्योंकि इसने नेट फेंका था, एक तो इस सामने किसी लोकेशन पे था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, पत्थर के पीछे, दरख्त के पीछे या कहाँ पे। फिर कह रहा हूँ मैं, जो लास्ट 2 या 3 वीडियोज़ उन मुझे कुछ देखो जाके, व्यूज़ उन पर बहुत कम है, बहुत अच्छी वीडियोज़ है, बड़ी मेहनत की उन पर, और अपना बहुत, और सब्सक्राइब करवाओ यार, बहुत टाइम हो गया, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़े, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाओ, थोड़े से आगे पीछे करवाओ, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा डैमेज है इसको, फिर ग्रोथ है इसको, किल कंफर्म किया हमने। तो अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, और दुआ करो यार पबजी जल्दी सनबैन हो जाए, नहीं आ गया, सॉरी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।